हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। तो सातवीं बीपीएससी और सीडीपीओ को ध्यान में रखते हुए इटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जिसमें हम लोग सेट नंबर 3 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर इनमें विद्रोहियों में से एक भी योग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस ने की है। अगला क्वेश्चन है, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसके आंसर हो जाएगा अवध को मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने का प्रतिबंधित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1881 का कारखाना अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई। साथ ही हेस्टिंग्स ने एक हिंदू कोड को संकलित करवाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? तो इसका आंसर होगा कमिश्नर टेलर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है, बिहार में 1857 विद्रोह के बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन ने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, शाहबाद जिले में 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हम लोग देख सकते हैं, पहला, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। तीसरा, अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू को भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। आठ डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इस कार्रवाई में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, असफा उल्ला खान, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा भगवती देवी। अगला है, खान अब्दुल गफार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, अध्यक्षता तत्कालिक प्रधानमंत्री नेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी में बीएस मुंजे, डॉक्टर एमआर जयशंकर ने हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? तो सभी पुस्तक किया गया था, ई ऑप्शन है, द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एक्सेस ऑन द गीता। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समय पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 15 के विधवा विवाह कानून को मान्यता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेवा सदन सुमेलित नहीं है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में बहरामजी मालाबारी ने किया था। हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद से सेवा समिति की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सर लियोनिस कर्टिस को माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनिस कर्टिस को भारत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। वर्ष 1915 में सर्वप्रथम उन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसे बाद में डयाची नाम दिया गया था। अगला है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका आंसर होगा लेबर पार्टी।
अगला निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो इसका आंसर होगा बी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मोपला विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं होगा सी, यानी कि पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर पहला मोपला विद्रोह, फिर तीसरा चौरा चौरी घटना। अगला, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने के उपबंध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1833 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू की है। अगला, बिहार में किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवारी व्यवस्था थी जिसमें किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। दूसरा, शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को तीन श्रेणी में अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया। तीसरी, शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज, 39 अंगुल और 32 इंच सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने नायाब ए मुमलक पद की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बहराम शाह। अगला है, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला है, अकबर द्वारा दिए गए कार्यों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा की समाप्ति, जजिया कर समाप्ति, दशाला प्रणाली लागू करना। अगला है, दारा सिखो किस सूफी मत से प्रभावित था? तो इसका आंसर होगा कादरी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो ये है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की शासन में अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर तीन भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। अगला, किस बौद्ध संगति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थासंगिक विभाजित हो गया था? तो इसका आंसर होगा द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक कार्यों के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैदिक कार्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। अगला है, वेद त्रयी और त्रयी में से कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के तीर्थ से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्यक तप। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग व्याख्या देखें, जैन धर्म के तीर्थ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण शामिल है। कर्म फल से मुक्ति के लिए तीर्थ की अनुशीलन आवश्यक है। अगला है, मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर होगा गुप्तचर व्यवस्था। अगला है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र में कीकट और बात शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में अंग और मगध का, यजुर्वेद में विद राज्य का शब्द इस क्षेत्र से प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगला हम लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो बी, बज्जी, ये ग्रीवत राजगीर नहीं होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका हम लोग देख सकते हैं, बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, ग्रीवत राजगीर मगध जनपद की राजधानी थी, बाकी अंका, चंपा, गंधार का, तक्षशिला, कुरु का, इंद्रप्रस्थ। अगला है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक के सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल।
अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। अगला है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। अगला क्वेश्चन है, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर में 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है, फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल में आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्य उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन राइस। अगला है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 67.37% है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम कुल बजट अनुमान है? तो हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपये है, 1 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 50,555 रुपये। अगला है, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक्स को बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीकांत, सी ऑप्शन। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगला, किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेखा मेनन। अगला, नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो हो जाएगा डी, अब्दुल्ला साहिद। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है, सभी वयस्कों के टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यान। अगला है, निम्न में से किस विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शकुंतला हरक सिंह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार आवंटन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर रहेगा 650। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितना राशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। अगला है, कोरोना काल के दौरान बिहार में किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर होगा पटना में। अगला है, बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने की निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा टीका एक्सप्रेस।
अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 22(2) किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ये सुमेलित नहीं है यानी कि डी ऑप्शन। बाकी अनुच्छेद 20(1) में किसी भी आपराधिक विधि की भूत लक्षी प्रभाव नहीं रहेगा, बी में है अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से मुक्ति, सी अनुच्छेद 20(3) ये हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग इसके आंसर देख सकते हैं, ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, जिसमें अनुच्छेद 47 बिहार में शराबबंदी कानून, अनुच्छेद 51 गुट निरपेक्ष आंदोलन, अनुच्छेद 42 इसका आंसर होगा मातृत्व लाभ का अधिनियम, अनुच्छेद 40 ये जगह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो ये है विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि जब विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक को पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके पास चार विकल्प होते हैं, अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, बिल को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, लेम्बंडक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा सी, नई लोकसभा गठन में पूर्व और वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। अगला निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सी और डी हो जाएगा, विधायी कार्य 3 बजे से 6 बजे और भोजनावकाश 1 बजे से 3 बजे, ये गलत है। इसमें हम लोग देखें 12 से 1 बजे शून्यकाल, 11 से 12 बजे प्रश्नकाल, 1 से 2 बजे भोजनावकाश और 2 से 6 विधायी कार्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, इसका आंसर होगा सी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अगला है, भारत में संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर होगा संसद। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ था, तो इसका आंसर होगा भारतीय डाकघर विधेयक। अगला, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो इसका आंसर होगा 2.6%। अगला है, उपयोगिता से अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवश्यकता के संतुष्ट करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भिलाई इस्पात 1956 रूस के सहयोग देश है, राउरकेला संयंत्र 1955 जर्मनी, बोकारो स्टील प्लांट 1964 रूस, दुर्गापुर स्टील प्लांट 1959 ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जोत ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा ए, पहला और दूसरा, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम जोत, उसके बाद छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एमएन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री मन्ना रायन। अगला है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो इसका आंसर होगा 8वीं योजना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा महासभा। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला, जनगणना 2021-11 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो इसका आंसर होगा 17.7%। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश।
अगला है, निम्न में से किस एक उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी है, तो इसका आंसर होगा दूध। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर। अगला है, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो ये होगा केंद्रीय बजट 2022-23 के में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने राशि का परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, तो इसका आंसर होगा 6,000 करोड़ रुपये। अगला, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो इसका आंसर होगा डी 2.9%। अगला है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं को संख्या में अंतर है, तो इसका आंसर होगा 3/2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी जिकोनियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि एस्टिक आम सिरका, उसके बाद साइट्रिक एसिड संतरा होगा, टार्टेरिक एसिड इमली और कोलिक आम टमाटर और पालक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, साबुन का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी C17H35CONA। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोजेलिक एसिड है, सोडियम या पोटेशियम के लवण के होते हैं, जिसका सूत्र है C17H35CONA। अगला क्वेश्चन देखें, नाभिक की त्रिज्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि दूरी मीटर हो जाएगा, और समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उसके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन। अगला है, एंटीजन को कौन नष्ट करता है, तो इसका आंसर होगा एंटीबॉडी। अगला, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फेनॉल तथा फॉर्मलडिहाइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बेकेलाइट। अगला है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि की किस आवृत्ति पर अनुरूप ध्वनि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 हर्ट्ज। अगला है, पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क। अगला है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन का प्रयोग होता है, ई ऑप्शन है। अगला, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड, इसका आंसर होगा सी यानी कि लागू बल को दिशा में चलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो इसका आंसर होगा डी समुद्री घोड़ा। अगला हम लोग देख सकते हैं, सुमेलित करना है तो लिथियम का बैटरी, सोडियम रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण, सोडियम में पोटेशियम तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण, कैंडियम परमाणु घड़ियों में समय रक्षक टाइम कीपर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न भौतिक राशियों पर विचार करना है, तो इसमें हम लोग इसका आंसर हो सकता है डी देख सकते हैं। इसमें होगा, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे विद्युत धारा, कार्य, तापमान, घनत्व और दाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अनूठी विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बारबरा मैलिक टाग। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, इसे किस अंग द्वारा निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल को भागों का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आँख, बड़ी आँख। अगला है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पादपों पर जन्म अवस्थाओं की सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, युग्मक, युग्मज, भ्रूण और अंकुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमेटिन।
अगला है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलोपियन ट्यूब। अगला है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है बल्कि कोशिका जीवधर झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं में संहित है, तो इसका आंसर होगा अंडाशय। अगला है एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉइड का प्रयोग शीघ्र राहत मिलती है, तो इसका आंसर होगा एलर्जी से। अगला है मनुष्यों में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा PCR का प्रयोग किया जा सकता है। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये ऐसी तकनीक है जो अनुवांशिक विकार का पता लगाने में सहायक है। अगला है गोभी किस प्रकार का मरुस्थल है, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं बी शीतोष्ण कटिबंधीय। अगला हम लोग देख सकते हैं निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, तो इसके आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा और तीसरा में एनोर और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी किशनगंज में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति के चक्कर लगाती है, तो इस किस गति से चक्कर लगाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी औसत वर्षा। अगला है एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर होगा बोर्नियो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। अगला है नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु कर्नाटक केरल। अगला है वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला है देव ने 20 दिनों में डिटेरिया का प्रोजेक्ट पूरा किया, अजीत ने उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा यदि वह देव से 25% अधिक कुशल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16 दिन। अगला है पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है, तो 11 वर्ष बाद उस आयु का अनुपात 4:3 होगा, पुत्र अभी कितने वर्ष का है, तो इसका आंसर होगा 31 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है अनुक्रम 5, 5, 7, 5, 37.5, 112.5 लुप्त संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अगला है 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अगला है 0.0032 का पावर 0.6 का मान कितना है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0.008। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, इसका क्वेश्चन है 3 पावर 2 होल थ्राइस 3 पावर स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर 3 2 into 2 into 32 by 22, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 0.36 1.2 4.8 का लघुत्तम समावर्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 14.4। अगला है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसका आंसर होगा ई। अगला है यदि 7x/2 + 14=7-x, तो x²/4 + 1/x² का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी 5। अगला है 6 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी एक छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।